हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म जे आर एफ अड्डा। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो क्या हालचाल सबके, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं दोस्तों सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 5 क्वेश्चन ऑफ द हायर एजुकेशन पेपर 1, जो आपके सेट एग्जाम में आने के चांसेस हैं, एमपी सेट और राजस्थान सेट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपके पेपर 1 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। और आज का जो हमारा मुद्दा रहेगा दोस्तों, उसमें हम यूनिट 10 यानी जो हायर एजुकेशन है आपका, हायर एजुकेशन है उच्च शिक्षा, उससे रिलेटेड टॉप 5 क्वेश्चन है विद एक्सप्लेनेशन है वो हम करने वाले हैं। टॉप 5 जो आपके PYQs हैं, जो आपके MCQs हैं, जिनके आने के मैक्सिमम चांसेस हैं, उनको आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप ऑनलाइन बैचेस हमारे ज्वाइन करना चाहते हैं, राजस्थान सेट एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं, तो 6,999 आपकी फीस है, प्लस आपको नोट्स भी मिलेंगे, उनको भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा गाइज, आपकी अभी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी हमने चलाई है, JRF अड्डा की टेस्ट सीरीज है, जिसमें पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों के आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है वो मिलने वाले हैं। पेपर 1 को आप लेते हैं तो 599, ठीक है, और पेपर 2 को साथ में लेना चाहते हैं तो 999 आपकी फीस है, जो कि लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी और रियल टाइम इंटरफेस है वो आपको मिलेगा। कोई भी डाउट हो तो हमारी सपोर्ट टीम को आप कॉल कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपके स्टेप्स दिए हैं, आपको सबसे पहले JRF अड्डा ऐप को ओपन करना है, उसके बाद में दोस्तों आप अपनी कैटेगरी को चूज कीजिए, सेट कैटेगरी को चूज कीजिए, उसके बाद में आप लाइव टेस्ट पर क्लिक करेंगे। लाइव टेस्ट पर क्लिक करने के बाद आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी और यहां से आप प्रोसीड कर सकते हैं और इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए तो शुरू करते हैं सेशन को। एक बार आप सब लोग थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, जिससे कि बाकी स्टूडेंट भी हमसे जुड़ पाए। तो यूनिट 10 को हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, हायर एजुकेशन जो इकाई आपकी 10 है, यूनिट 10 है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने 5 क्वेश्चन किए थे और आज उससे आगे के क्वेश्चन है वो हम करने वाले हैं। क्वेश्चन है दोस्तों वैदिक लिटरेचर, एंशियंट एजुकेशन का क्वेश्चन है कि वैदिक साहित्य में आपके क्या क्या शामिल है, ठीक है। तो बताओ, 108 उपनिषद, 108 उपनिषद हैं आपके, 4 वेद हैं, 4 उपवेद हैं या उपयुक्त सब, बताओ। वैदिक जो साहित्य है उसमें आपके कौन कौन सी चीजें हैं जो शामिल हैं, यह सवाल आपसे पूछा जा सकता है एंशियंट एजुकेशन में, क्योंकि प्राचीन भारत की शिक्षा जो है उसमें वैदिक लिटरेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती थी। तो प्राचीन शिक्षा हुआ करती थी उसमें वैदिक लिटरेचर को पढ़ाया जाता था, है ना, ये हमारे सिलेबस का पार्ट हुआ करती थी ये सारी चीजें। प्राचीन भारत का जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें ये पाठ्यक्रम का पार्ट हुआ करती थी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी, ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। तो वैदिक साहित्य की मैं बात करूं तो दोस्तों ये सारी की सारी चीजें आपके वैदिक साहित्य में आती हैं, जैसे आपका उपनिषद हो गया, है ना, 108 उपनिषद हैं आपके, वेद हैं, उपवेद है, आरण्यक है, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ठीक है, ये सारे के सारे आपके किसके पार्ट है, वैदिक लिटरेचर के पार्ट है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी, डी विल बी द वेरी करेक्ट आंसर, ठीक है, इसको याद रखिएगा आप सब लोग। इसके अलावा दोस्तों ऐसा ही एक सवाल और है आपका कि नालंदा, तक्षशिला और जो अदर यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी उनका सिलेबस क्या क्या हुआ करता था, नालंदा, तक्षशिला और अन्य प्राचीन विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में क्या क्या चीजें शामिल थी, मेडिसिन, साइंस, आर्करी या ऑल ऑफ दिस, तो इसका आंसर दीजिए आप सब, करेक्ट आंसर क्या होगा, मेडिसिन है, विज्ञान, तीरंदाजी या सभी। सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी, ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी। अब देखो यहां से एक सवाल आ सकता है आपका, जो आया हुआ भी है ऑलरेडी, कि भाई जो तक्षशिला है वो किसके लिए फेमस है, मतलब कौन सा सब्जेक्ट है जो वहां पे सबसे ज्यादा फेमस है, जिसका स्पेशलाइजेशन वहां, तो वो है आपका मेडिसिन, ठीक है। तो दवा के लिए कौन सा विश्वविद्यालय फेमस है आपका, तक्षशिला फेमस है दोस्तों। तक्षशिला कहाँ पे है आपका, पाकिस्तान में है दोस्तों, है ना। अब एक तो ये पूछा जा सकता है, आपको नालंदा का भी पूछा जा सकता है, आपको ऐसे विक्रमशिला का भी पूछा जा सकता है,
तो हम बात करें दोस्तों, विक्रमशिला किसके लिए फेमस है? आपका विक्रमशिला तांत्रिक बुद्धिज्म के लिए फेमस है, तांत्रिज्म, के लिए फेमस है, आपका तंत्र मंत्र विद्या के लिए फेमस है ना। ऐसे ही आपका पूछा जा सकता है कि ज्यूरिसप्रूडेंस के लिए कौन सा फेमस है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ज्यूरिसप्रूडेंस के लिए कौन सा फेमस है। इंडियन लॉजिक एंड ज्यूरिसप्रूडेंस के लिए कौन सा विश्वविद्यालय है जो फेमस है, ये आपसे पूछा जा सकता है। नालंदा कौन सा किसके लिए फेमस है दोस्तों, तो ये महायाना बुद्धिज्म का एक इंपॉर्टेंट सेंटर रहा है ना, ये एक विहार यूनिवर्सिटी आपकी रही है, नालंदा यूनिवर्सिटी। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। पूछा जा सकता है कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन रहे हैं, ऐसा सवाल भी आपसे आ सकता है कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन रहे हैं, तो धर्मपाल हैं, वो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के क्या रहे हैं, फाउंडर रहे हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि नालंदा के फाउंडर कौन रहे हैं, कुमार गुप्त हैं, वो नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर रहे हैं। तो इस तरह के सवाल हैं जो आपसे पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम में, है ना। पूछा जा सकता है कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी कौन सी नदी के किनारे थी, तो ये सवाल भी आपका नेट के एग्जाम में आया है, तो गंगा नदी के किनारे ये अवस्थित है, गंगा रिवर के किनारे अवस्थित। इस तरह से आपको प्रिपेयर करना है हायर एजुकेशन के क्वेश्चन। इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन आपका और आया है, देखो यहाँ पे आप देखिए, ये आपका 2020 में ये सवाल है, ये नेट में पूछा गया था, ठीक है। बताओ, व्हेन तक्षशिला यूनिवर्सिटी डेजिग्नेटेड एन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, 89, 2004, 80 या 85, बताओ। तक्षशिला यूनिवर्सिटी को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसको कब डेजिग्नेट किया गया था, 89, 2004, 80 या 85, बताओ इसका सही आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या है। व्हेन तक्षशिला यूनिवर्सिटी डेजिग्नेटेड एज एन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो इसका आंसर दोस्तों वो है आपका 1980 में, आपका जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है उसको यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो घोषित किया गया था। अब दोस्तों ऐसा ही सवाल आपसे एक और पूछा जा सकता है कि 2016 में आपको नालंदा जो है वो यूनेस्को की साइट बनी, तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी जो आपसे पूछी जा सकती है, तो इसको आपको याद रखना है सब, ठीक है। अब तक्षशिला यूनिवर्सिटी की मैं बात करूं दोस्तों, तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और ये किसके लिए फेमस है दोस्तों, ये मेडिसिन के लिए आपका फेमस है तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी है, आपको इसको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। 1980 में यूनेस्को की साइट बनी थी, ये चीज आपको इसके लिए याद रखनी है। एक आपको याद रखना कि यहाँ से कौन कौन से स्कॉलर्स हैं जो इस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ से कौन कौन से स्कॉलर्स हैं गाइस, आपके कौटिल्य हैं आपसे जो जुड़े हैं, पाणिनि है, चरक है ना, ये सारे के सारे लोग कहाँ से जुड़े हैं, तक्षशिला यूनिवर्सिटी से जुड़े, तो इस तरह के सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। देखो मैंने आपसे पूछा था कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एनसीटी यूनिवर्सिटी से, तो यहाँ से देखो एक क्वेश्चन भी आया है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज वाज फेमस फॉर हिज स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग ऑन द सब्जेक्ट ऑफ तांत्रिक बुद्धिज्म, तांत्रिक बुद्धिज्म के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी है जो आपकी फेमस है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी फेमस है, नालंदा फेमस है, तक्षशिला फेमस है, या उधमतपुरी यूनिवर्सिटी फेमस है, आप बताओ। निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में से कौन सा तांत्रिक बौद्ध धर्म के विषय पर विशेष प्रशिक्षण के लिए प्रसिद्ध है, विक्रमशिला है, नालंदा है, तक्षशिला है, या उधमतपुरी है, बताओ। सब लोग इसका आंसर कीजिए, करेक्ट आंसर क्या होगा, तो देखो मैंने आपको बताया है कि तांत्रिक बुद्धिज्म के लिए कौन सा यूनिवर्सिटी फेमस है, विक्रमशिला, ठीक है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी कहाँ पे है आपका, बिहार में है, तो ठीक है। और धर्मपाल जो पाल वंश के शासक हुए हैं वो इसके क्या रहे हैं, फाउंडर रहे, यानी कि इसके संस्थापक रहे, तो ये चीज आपको याद रखनी है। नदी कौन सी है दोस्तों, गंगा रिवर है। इस तरह के सवाल हैं वो आपसे बार बार हैं पूछे जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, काइंडली लुक एट द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ एंशियंट एजुकेशन, प्राचीन शिक्षा के निम्नलिखित रूपों को देखिए आप, तो देखो पराविद्या मींस क्या होता है, सुप्रीम और हाईएस्ट नॉलेज फॉर सेल्फ रियलाइजेशन और नॉलेज ऑफ द सुप्रीम सेल्फ। अपराविद्या का मतलब क्या होता है, लोवेस्ट नॉलेज ऑफ द फोर वेदास एंड सिक्स वेदांत,
आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या है, करेक्ट आंसर। 15 सेकंड है, 15 सेकंड में आपको इसका आंसर करना है। तो भाई आंसर कीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर इसका दोस्तों सी। दोनों के दोनों आपके क्या है, सही है। ये सवाल आपका 2020 में भी आ चुका है, ठीक है। पराविद्या और अपराविद्या, पराविद्या का मतलब होता है हाईएस्ट नॉलेज, है ना, हाईएस्ट नॉलेज, और अपराविद्या का मतलब होता है निम्न ज्ञान, ठीक है। हाईएस्ट नॉलेज ऑफ वेदास, ये आपका पराविद्या, और निम्न नॉलेज मतलब अपराविद्या। आंसर इसका क्या होगा? सी विल बी द वेरी करेक्ट आंसर। तो ये आपका थे आज के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया सेशन तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और सब लोग एक बार लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा सेशन को, जिससे कि बाकी स्टूडेंट को भी फायदा हो सके, उन तक भी ये लेक्चर है पहुँच सके। तो हम सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं गाइस। सेट एग्जाम में हम ऑल यूनिट्स के ऐसे ही क्वेश्चन हैं, वो आप प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। आप सब लोग इस पर अच्छे से फोकस कीजिएगा एवरीवन। इसके अलावा आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, है ना, पेपर वन प्लस पेपर टू दोनों की टेस्ट सीरीज है। इसके अलावा राजस्थान सेट का एग्जाम के लिए आपके कोर्सेज भी आ चुके हैं। मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो जो भी हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं वो कंप्लीट अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं राजस्थान सेट एमपी सेट एग्जाम की, तो हमारे कोर्सेज हैं, उनको ज्वाइन आप कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, है ना, और आप सब लोग लाइक एंड शेयर कीजिए सेशन को, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे कि बाकी स्टूडेंट भी हमसे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।